शिमला में पहली बार 10वां महिला पुलिस सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। 21 और 22 अगस्त को शिमला के पीटरहॉफ में यह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसका उद्घाटन राजभवन से होगा। 2 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में देश भर की 200 महिला पुलिस प्रतिनिधि भाग ले रही हैं। इनमें 100 पैरामिलिट्री की प्रतिनिधि भी शामिल होंगी। सम्मेलन में महिला पुलिस के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर मंथन किया जाएगा। पुलिस प्रमुख संजय कुंडू ने बताया कि वर्ष 2002 में पहली बार यह सम्मेलन शुरू हुआ था। इसमें महिला पुलिस के टॉयलेट की समस्या को उजागर किया गया था। इस तरह हर सम्मेलन में महिला पुलिस के समक्ष आ रही चुनौतियों पर चर्चा के बाद हल निकालने की कोशिश की जाती है। हिमाचल प्रदेश पुलिस में 13% महिला है। अब हिमाचल पुलिस में महिलाओं का कोटा बढ़ाकर 20-25% कर दिया गया है। महिलाओं के प्रति अपराध कम हो, इसलिए पुलिस में महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। भारत सरकार का गृह मंत्रालय और ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने शिमला को और हमको चूज किया जो 10th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वुमेन इन पुलिस ऑर्गेनाइज करने के लिए। और जैसे जैसे महिलाओं के इश्यूज लॉ एनफोर्समेंट के बढ़ रहे हैं, महिलाओं के इश्यूज पुलिस में बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे कॉन्फ्रेंस और महत्ता ले रही है। ये 2 दिन की कॉन्फ्रेंस होगी और कल इसका जो इनॉग्रेशन है राजभवन में होगा और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम श्री नित्यानंद राय जी इसको इनॉग्रेट करेंगे। लार्जली 4 इश्यूज इसमें डिस्कस होते हैं। एक तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, एक दूसरा है वुमेन रिलेटेड इश्यूज, और तीसरा है कि जो रोल मॉडल्स हैं वुमेन में जिन्होंने बहुत अच्छा किया है और आगे नीति निर्धारण क्या करें उसका। तो बड़ी अच्छी कॉन्फ्रेंस होगी और भी जो कॉन्फ्रेंस होगी ये भी बहुत एनरिचिंग होगी और इसके जो रिकमेंडेशंस हैं वो फार रिचिंग होंगे और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत बड़ा मील पत्थर साबित होंगे। देखिए करीब 200 के करीब डेलीगेट्स पूरे देश से आ रहे हैं और सब अपनी समस्या बताते हैं, जो सोल्यूशंस है उस पर गहन विचार होता है। हम यही आशा करते हैं कि ये बहुत अच्छी होगी और यहाँ से जो डेलीगेट जाएंगे वो भी एनरिच्ड फील करेंगे और जो इसके जो रिकमेंडेशंस होगा, रिजल्ट होगा, उससे एक नया एक चैप्टर वुमेन एम्पावरमेंट में स्टार्ट होगा। तीन चार हैं। एक तो एब्सोल्यूट नंबर्स बढ़ाना, और हमने अब क्या किया है कि कांस्टेबल में जो महिलाओं का आरक्षण है 25% है, सब इंस्पेक्टर में 33% है। एक तो जब एक बार आ जाएं उसके बाद इनकी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज, उसको इम्प्रूव करने का है, जिसमें पुलिस स्टेशन में क्रेशेज हैं, बच्चों के लिए सुविधा है, इनके लिए अकोमोडेशन है। साथ ही साथ जो महिलाएं पुलिस में आ जाती हैं वो हाशिए में ना रहें, मतलब ना पेरिफ्री में ना रहे, उनका रोल सेंट्रल हो और केंद्रीय हो, उसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा लीडरशिप रोल में इनको जिम्मेवारी दे रहे हैं। जैसे आज के दिन में 3 महिलाएं एसपी हैं बड़े जिलों की, ऐसी 1 रेंज की आईजी महिलाएं हैं, और सतवंत मैडम तो एडिशनल डीजी हैं विजिलेंस और जेल की। हम ये चाहते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा जिम्मेवारी वाले पद लें और इनका इन्फ्लुएंस पूरे समाज पर हो। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।